हाय एवरीवन, वेलकम टू कनाडा ड्यूमर्स अगेन। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कनाडा में कैश जॉब्स कौन कौन सी हैं और किस कैटेगरी में हैं, और आपको कैसे ये जॉब्स के लिए फाइंड आउट करना है या अप्लाई करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो ये शेयर ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ लोगों को ना इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब वो यहाँ पर लैंड होते हैं कनाडा में, और स्पेशली जब हम इंडिया से या पाकिस्तान या आसपास की कंट्री से आते हैं, तो उनको ये भी एक इशू होता है कि पेपर वर्क बनने में टाइम भी लगता है। यहाँ पर महीना महीना 1-1.5 महीना लग जाता है, तो तब तक बंदा खाली तो नहीं बैठ सकता। तो यूजली ये होता है कि लोग कैश जॉब ढूंढते हैं। तो कैश जॉब्स की कैटेगरी में जो फर्स्ट जॉब है वो है बेबी सिटिंग की। बेबी सिटिंग की जो जॉब है वो आपको 18 से 22 डॉलर दे सकती है पर आर ऑन कैश। डिपेंडिंग करता है कि करंट सिचुएशन सिटी की और कंट्री की क्या है। राइट नाउ कनाडा के अंदर रिसेशन चल रहा है, तो आप बेसिकली मिनिमम वेज ही सोच के चलें, और अगर कोई अच्छा बेबी सिटिंग के लिए दे रहा हो तो वो मैक्सिमम 21 से 22 डॉलर देते हैं। सो ये ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्नो रिमूवल का। स्नो रिमूवल का ऑप्शन बहुत ही इजी है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। कनाडा में वैसे भी स्नो ज़्यादा पड़ती है, तो ये वाली जॉब्स ना टेम्परेरी वर्कर्स के लिए निकलती रहती है। तो आपको 15 डॉलर भी मिल सकते हैं, इसके 17 डॉलर भी मिल सकते हैं, तो इस रेंज में देख सकते हो आप, आपको जॉब अगर मिलती है तो। बट ईजी जॉब होती है ये। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट जॉब है इस कैटेगरी की, वो है क्लीनिंग की। जैसे किसी के घर में पार्टी है या फिर कोई भी फंक्शन है, वो प्री प्री फंक्शन एंड पोस्ट फंक्शन क्लीनर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स को भी लोग ढूंढ रहे होते हैं और उनको भी रिक्वायरमेंट होती है। सो वो आपको 15 से 20 डॉलर के बीच में मिलते हैं वहाँ पर, बट वो कैश पे इजिली मिल जाती हैं ऐसी जॉब्स। सो ऐसी जॉब्स को ढूंढने के लिए आई वुड रिकमेंड Kijiji.ca। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी Kijiji.com पे पोस्टिंग कैसे करनी है, वो भी मैं एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये बता सके कि आप ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। कैनेडा में रियल एस्टेट की बहुत डिमांड है, बट साथ साथ यहाँ पर पेंटर्स की भी बहुत डिमांड है। सो पेंटर्स की डिमांड अच्छी बात है, जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि उनको कम्युनिकेट नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर इंडिया या पाकिस्तान या आसपास की कंट्री से सीखे हुए हैं वो स्किल्स, तो आप उस स्किल के बेसिस पे अच्छी जॉब यहाँ पर पेंटिंग में या पेंटर बनकर पा सकते हैं। और यहाँ पर 12 से 18 डॉलर मिलते हैं, डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने स्किलफुल हैं इसके अंदर। बट ये बहुत अच्छी जॉब है, बट इसमें मेहनत बहुत लगती है। सो अगर ऑप्शन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्जन। जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है ट्यूटरिंग का। ट्यूटरिंग में जैसे इंडिया में ट्यूशंस का बहुत सिस्टम चलता था, तो यहाँ पर भी ट्यूटरिंग का ऑप्शन है। आपको अपनी जॉब पोस्टिंग करनी होगी कि आई एम अवेलेबल फ्रॉम दिस आर टू दिस आर, और मे बी ओनली ऑन द वीकेंड्स। सो जो भी रिक्वायर्ड पर्सन होगा जिसको ये जॉब देनी है आपको, वो आपको रीच आउट करेगा, मे बी वाया फेसबुक मार्केट प्लेस। आप वहाँ पे भी शो कर सकते हैं या Kijiji.ca पर, तो और या फिर घर के बाहर आप लगा भी सकते हैं बैनर की दैट आई प्रोवाइड ट्यूटरिंग सर्विसेज। जब आप बात करें तो आप मेंशन कर सकते हैं कि कैश जॉब्स ही करनी है ओनली। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैथमेटिक्स में यहाँ पे बच्चे बहुत वीक हैं, तो आप अगर स्ट्रोंग हैं या वहाँ पे बैक होम कंट्री में आपने टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपको, तो ये आपके लिए अच्छी जॉब है। स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जो करना चाहते हैं, और जो मदर्स प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी वो कर सकती हैं वाली जॉब्स। सो ये बेस्ट ऑप्शन है, बट इसके अंदर आपकी जो पर आर वेजेस होंगी वो हो सकती हैं 18 से 22 डॉलर। सो इट इज़ अप टू यू, यू वॉन्ट टू गो विद दिस ऑप्शन और नॉट। लेट्स गो टू अनदर वन। जो नेक्स्ट इस कैटेगरी में कैश जॉब है वो है बैक यार्ड क्लीनिंग की। यहाँ पर सीजन्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। मैं कैलगरी में रहता हूँ, तो यहाँ पर मोस्टली ठंडी रहती है, बट अपार्ट फ्रॉम कैलगरी मोस्टली जगहों जैसे वैनकूवर हो गया, टोरंटो हो गया, यहाँ पर मौसम बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट चेंज होता है। और यहाँ पर ना जो
बैकयार्ड की ग्रीन घास होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद ये काम करें, तो वो कैश जॉब्स पे हायर करते हैं कुछ लोगों को वीक्स के लिए या 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए। सो वो भी एक अच्छा अर्निंग मीडियम बन सकता है आपके लिए। रादर लास्ट में मैं आपको बस एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, इन कैश जॉब्स के अंदर जो रिस्क होता है वो ये होता है कि कुछ लोग थोड़े ऐसे होते हैं कि वो काम करवा लेते हैं और पैसे नहीं देते, या पैसे देते हैं तो बहुत कम देते हैं जो आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो। और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप इस चीज़ को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते पुलिस को, क्योंकि पहला क्वेश्चन वो ये करेंगे कि आपने ये ऑफिशियली को क्यों डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी जब आप इनके लिए जॉब कर रहे थे। तो आपके ऊपर भी ये क्वेश्चन आएगा। मे बी कुछ लोग आते हैं विजिटर वीज़ा पर, बट वो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आते हैं, और विजिटर वीज़ा पे आपको अलाउड नहीं होता काम करना। सो आप ये क्वेश्चन रेज ही नहीं कर सकते कि ही इज़ नॉट पेइंग मी माई मनी ऑन टाइम, और जितनी बात हुई थी उतनी नहीं दे रहा। सो ये एक रिस्क है। अगर आप जानते हो जिस पर्सन के लिए आप काम करना चाहते हो, या आपकी बेटर जजमेंट है कि ये आपके पैसे को टाइम पर दे देगा या पूरे दे देगा, तो आप जाइए, अदरवाइज थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको जॉब मिलती है और आप करना चाहते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं लेकर आऊँगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा यहाँ का और जो मैं देखूँगा कि लोगों की डिमांड है। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।